हमारा एसओसी 69% था, इट मींस कि हम इसका मेन रोड अभी हम नहीं ले सकते। हमको 24 आइडियल कंडीशन ये है कि 24 आवर हम विदाउट कोई भी लोड ना लें और सोलर से कनेक्ट करके इसको स्टैंड बाई मोड में रखते हैं, और आफ्टर 24 आवर्स जब हमारा सोलर से कनेक्ट हो जाएगा और बैटरी का एसओसी भी 70%+ हो जाएगा, इट मीन्स कि आफ्टर जब 70%+ हो जाएगा, इट मीन्स हम लोड और इमरजेंसी दोनों लोड ले सकते हैं। कोई लोड और इमरजेंसी कनेक्शन करना है उसके लिए क्या करना है, ये हमारे नीचे के दो जो है मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं सोलर का। पहले हम इसको बाहर निकालेंगे, आराम से इसको बाहर निकालेंगे। जैसे ये बाहर निकालेंगे हमको इस तरह से लगाना है, इट मीन्स हमको यहाँ पे कनेक्शन करना है। आप देख सकते हैं सोलर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हम यहाँ पे सोलर का पॉजिटिव लेंगे और यहाँ पे हम सोलर का नेगेटिव लेंगे। और इसी तरह से हम देखते हैं इमरजेंसी और नॉर्मल लोड के लिए भी यहाँ पे हमारे चार टर्मिनल दिए हुए हैं, इसको भी आराम से बाहर निकालेंगे कनेक्शन करने के लिए। कनेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनल्स बने हुए हैं जिसके अंदर हम थ्रू वायर और लग लगा के इसको फिट करेंगे। इसमें भी इसके लिए आप इजीली समझ सकते हैं कैसे करना है, मीन्स आपका जो थर्ड पॉइंट है नीचे वाला, यहाँ पे हमको नॉर्मल का नेगेटिव रखना है, फोर्थ पॉइंट पे इमरजेंसी का नेगेटिव रखना है, फिफ्थ पॉइंट में नॉर्मल का पॉजिटिव एंड सिक्स पॉइंट पे इमरजेंसी का पॉजिटिव रखना है। या जैसा कि मैंने कनेक्ट कर दिया है, आप इसके या कनेक्शन आप देख सकते हैं कि सोलर का नेगेटिव एंड सोलर का पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अब हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया। अब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, पहले सोलर का कनेक्शन लगाएंगे हम, ये फिट हो गया। जैसे ही हमने सोलर का टर्मिनल वहाँ कनेक्ट किया, कनेक्ट करने पे आपको यहाँ पे सोलर का एलईडी ग्लो करने लगी, इट मीन्स नाउ सोलर इज वर्किंग। सोलर कनेक्शन के बाद सेम हम लोड और इमरजेंसी लोड के लिए करेंगे। लोड के लिए हमारा चार टर्मिनल्स हैं जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हुआ है, नेगेटिव मीन्स नॉर्मल नेगेटिव, इमरजेंसी नेगेटिव, नॉर्मल पॉजिटिव, इमरजेंसी पॉजिटिव। अब आप इसको जैसे हमने लोड और इमरजेंसी कनेक्ट किया, उसको कनेक्ट करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि हमारा लाइट एंड सिस्टम दो स्विचेज हैं, सिस्टम इज़ फॉर द लोड एंड लाइट इज़ फॉर द इमरजेंसी, ये स्विचेज हमें बंद रहने चाहिए। अब हमने ऑलरेडी चेक किया था एसओसी, सपोज आपका एसओसी 70% से नीचे है तो इसके लिए आप एक दिन तक इसको आइडली ऐसे ही रहने दीजिए एंड 24 आवर वेट कीजिए, इसकी एसओसी इंक्रीज हो जाएगी 70+ हो जाएगी, देन वी कैन टेक द लोड। इस सिस्टम का एसओसी 70% से 70% पॉजिटिव है, 70% से ऊपर है तो हम अभी देख सकते हैं 24 आवर्स जब हमारा एसओसी 70% से ऊपर है तो अब हम एक एक करके लोड लेंगे। पहले हम इमरजेंसी चेक करते हैं, इज इट वर्किंग, और इमरजेंसी का हम स्विच ऑन करेंगे, मीन स्विच ऑन करते हैं, हमारा बल्ब जल गया, मीन सिस्टम इज ओके, हमारा इमरजेंसी बल्ब सही से काम कर रहा है। इसी तरह से हम मेन लोड है, नॉर्मल लोड है, नॉर्मल लोड में यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं हमारे यहाँ तीन ट्यूबलाइट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है, बल्ब हो सकते हैं, फैन हो सकते हैं, कुछ भी आपका नॉर्मल लोड पे हो सकते हैं। तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे लोड ऑन करते हैं आपको तीन ट्यूबलाइट जल गए, इट मीन्स नाउ सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली, आपका इमरजेंसी भी चल रहा है, लोड भी चल रहा है।